अस्सलाम स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एंड ऑपरेशन के बारे में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास आर ऑपरेशन है, आर गेट और नॉट गेट जो है, इन दोनों गेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। छोटे से टॉपिक हैं, आसान आसान है, इनको हम देखते हैं। आर गेट क्या है उसके आप क्या है, आपके पास दो सिंबल हैं, जैसे हमने एंड में पढ़ा था कि उसकी चार मुमकिन हालतें होती हैं, इसी तरह आर गेट की भी आपके पास चार हालतें हैं कि वो कैसी हैं, वो हम ट्रुथ टेबल को मद्देनजर रखते हुए बताएंगे आपको कि उसकी मुमकिन जो चार हालतें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपने इसका पहले सिंबल देखना है कि सिमिलरली जैसे आपने पीछे लिया था एंड ऑपरेशन एंड गेट में कि दो आपके पास इनपुट थी और एक आउटपुट मिल रहा था, ऐसे इसका भी यही है कि आपके पास सिंबल है, दो आपके इनपुट हैं और एक आपके पास आउटपुट है, और इसका जो बुलियन इक्वेशन है, क्योंकि बुलियन इक्वेशन मैटर करती है हमें ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, तो इसका याद होना और हमें पता होना ज़रूरी है। और मैंने बताया था कि कौन से साइंटिस्ट ने जो है इसको आसानी के लिए कि अगर आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हो तो आउटपुट वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वो बुलियन इक्वेशन थी, जॉर्ज बोले ने साइंटिस्ट था उसने बताया था हमें। तो इसका आपके पास फार्मूला है कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते पढ़ेंगे नहीं प्लस नहीं पढ़ेंगे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो एक्स है ये इक्वल है ए और बी के, ये जो प्लस है ये और शो करवा रहा है। तो जब हम पढ़ते हैं इसको तो ऐसे कि एक्स इज इक्वल टू ए और बी, लेकिन लिखने में ही हमें प्लस लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होगी बुलियन इक्वेशन। अब इसका सर्किट बनाते हैं, ये आपके पास इसका सर्किट है, ये बैटरी लगाई हुई है हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दो स्विचेस लिए हुए हैं, ये आपके पास S1 है, ये स्विच आपके पास S2 है, हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, तो कैसे चार मुमकिन हालतें थी वो हम देखते हैं, साथ साथ इसका ट्रुथ टेबल जो है वो भी कैरी करते हैं। हमने यहाँ बनाया हुआ है कि ए ये बी ये दो इनपुट्स हैं और ये एक्स जो है ये आपके पास आउटपुट शो करवा रहा है। ठीक है, ये दो इनपुट्स और ये एक्स आपके पास आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी के साथ, इन दोनों स्विचेस को, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि करंट अब जा रहा है, ये पहले तो हमें नज़र आ रहा है ये दोनों स्विच ओपन है, यानी इनकी जो इनपुट है वो क्या है हमें यहाँ नज़र आ रही है 0 0। तो क्या बल्ब ऑन होगा जब दोनों स्विचेस ऑन हैं, यानी बिल्कुल ही ये आप इसको अभी हमने क्लोज नहीं किया हुआ, ये दोनों स्विच ऑन है तो इसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो रहेगा बिकॉज बल्ब रोशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं S1 को क्लोज़ कर दें, ये आपने S1 को क्लोज़ कर दिया, जो S2 है ये वैसे का वैसे ओपन है, तो क्या बल्ब ऑन होगा वो कैसे, S1 हमने क्लोज़ कर दिया दैट्स मीन हम क्या दे रहे हैं अभी हम इनको इनपुट दे रहे हैं, या ऐसे कि आपने S2 जो है ये क्लोज़ कर दिया और S1 को अभी ओपन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट इस साइड से भी जाएगा और करंट ऊपर जाके इस साइड, तो आगे देखें आगे हमें नज़र आ रहा है कि जो S1 है ये अभी क्लोज नहीं हुआ तो करंट आगे फ्लो नहीं कर सकेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है करंट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से होके बल्ब की तरफ जाएगा, तो क्या बल्ब ऑन होगा, ओबियसली हम कहेंगे बल्ब ऑन होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि ए जो है अभी हमने ये S1 जो है आप इसको ये कह दो, S2 है बी कह दो, A अभी ओपन है तो दैट्स मीन 0 प्लस ये हमने क्लोज कर दिया, इसकी जो इनपुट है अब हमने दे चुके हैं तो 0 प्लस 1 दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, जब आउटपुट मिलेगी वो आपके पास 1 मिलेगी, तो इसका मतलब बल्ब रोशन होगा। तो यहाँ से देखें A अभी 0 है, इसको हमने क्लोज़ नहीं किया, B को हमने क्लोज़ कर दिया, ये B क्लोज़ किया हुआ है, दूसरा स्विच क्लोज़ किया हुआ है, इसकी इनपुट जो है वो आपने 1 दे दी, तो आउटपुट क्या है बल्ब रोशन हो रहा है, तो ये जो आउटपुट 1 ये बता रहा है कि बल्ब रोशन हो रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप पे कि क्या है, अब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया और S1 जो है इसको हमने क्लोज़ कर दिया, ये आपके पास स्विच S1 है, इस S1 को क्लोज़ कर दिया, इस S2 को हमने ओपन कर दिया, तो क्या अब बल्ब ऑन होगा, हमें पता है करंट तो जा रहा है इसमें, इसमें से जब गुजरेगा तो आगे कनेक्शन नहीं है तो इसमें करंट आगे बल्ब के थ्रू नहीं जाएगा, लेकिन इस स्विच के साथ S1 के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और इधर, और बल्ब जो है वो रोशन होगा, और हमें ये वाली लाइन बता रही है ए पे देखिए 1 हमने दिया हुआ है दैट्स मीन हमने स्विच क्लोज़ किया हुआ है तो इनपुट दी हुई है, और बी के ऊपर हमने स्विच ओपन रखा हुआ है तो इनपुट नहीं दी हुई लेकिन हमें आउटपुट फिर भी मिल रही है, वो मैंने बताया कि कैसे मिल रही है। ठीक है, ये एक तरीका है। उसके बाद चौथी हालत, अब तीन हालतें हो गई कि हमने बताया इसकी 4 हालतें हैं, जैसे एंड ऑपरेशन की 4 हालतें थी इसी तरह और ऑपरेशन की भी 4 हालतें हैं। ठीक है, वो हम देख रहे हैं, इसी तरह 3 हो गई। अब चौथी इसकी हालत क्या है कि हमने क्या किया
अब फिर देखते हैं कि हमने S1 को भी अब क्लोज कर दिया है, यानी इनपुट दे दी, ठीक है, और S2 को भी हमने क्लोज कर दिया, हमने इनपुट दे दी, तो करंट यहाँ से भी जा रहा है, करंट यहाँ पे भी जा रहा है, तो बल्ब फिर भी रोशन होगा। दैट्स मीन हम S1 जो है, ये स्विच S1 A और B S2 है, तो यहाँ भी हमने इनपुट दी, यहाँ भी इनपुट दी, तो आउटपुट फिर हमें मिल रही है। तो अब ये मत समझ लेना कि 1+1 2, ऐसा नहीं है, तो ये इक्वल 1 के, यानी कि इसका मतलब भी हमें आउटपुट मिल रही है, बल्ब जो है वो रोशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो किस हालत में बल्ब रोशन नहीं होगा, इसकी सिर्फ एक हालत है जब बल्ब रोशन नहीं होगा, वो कौन सी है, कि जब दोनों स्विचेस ओपन होंगे, यानी क्लोज नहीं होंगे, S1 भी खुला होगा, S2 भी खुला होगा, यानी इनकी जो इनपुट है वो 0-0 होगी, तब उस हालत में इसकी आउटपुट 0 होगी। अदरवाइज़ अगर एक स्विच क्लोज है और दूसरा ओपन है फिर भी बल्ब रोशन हो रहा है, दोनों स्विच क्लोज है फिर भी बल्ब रोशन हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसका ट्रुथ टेबल था, या सिंबल था, या आपके पास इसका सर्किट था, और बाकी जो थ्योरी बताई है वो सिर्फ लिखने में आती है, ठीक है, ये एक सवाल। उसके बाद दूसरा गेट आपके पास है नॉट गेट का क्या है, ये छोटी सी इसमें बस दो बातें हैं समझने वाली। इसका सिंबल देखो हमें नज़र आ रहा है, ये इसका सिंबल है, इसकी सिर्फ एक ही इनपुट है और एक हमें आउटपुट मिल रही है। ये जो हमने यहाँ पे एक सर्कल मेंशन किया हुआ है, इसका खास ख्याल रखना है, ये सर्कल बता रहा है कि आप जो आप इनपुट दे रहे हो ये उसको आगे इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, कम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, कि लॉजिक लेवल्स को ये क्या करता है कि लॉजिक एक लेवल लॉजिक है तो उसको दूसरे लेवल में चेंज कर देता है। यानी अगर मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ तो ये इन्वर्टर उसको रिवर्स कर देगा, उसको उल्ट कर देगा। इनपुट अगर 1 दे रहा हूँ, बाइनरी डिजिट्स हमें पता है 2 हैं, कौन कौन से, 0 और 1 है, बाइनरी डिजिट्स क्या है आपके पास, 0 और 1, ये 2 बाइनरी डिजिट्स हैं, ये MCQs भी पूछा जाता है। तो क्या है आपके पास यहाँ पे, अगर आप इनपुट दे रहे हैं यानी 1 दे रहे हैं, तो ये इन्वर्टर उसको रिवर्स कर देगा, यानी आउटपुट 0 कर देगा। अगर यहाँ पे आप 0 इनपुट दे रहे हैं तो इन्वर्टर उसको रिवर्स करके 1 कर देगा। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है, जो डायग्राम है, ये आपके पास इसका सर्किट बना हुआ है, क्या है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इनपुट आपकी 0 है तो इन्वर्टर जो है चेंज कर देगा इस आपकी इसकी इनपुट को। आप यहाँ पे इनपुट 1 दे रहे हो तो इन्वर्टर चेंज कर देगा, फिर हम ये नहीं कहेंगे बल्ब ओपन है, दैट्स मीन बल्ब और रोशन उस टाइम नहीं होगा। इसी तरह अगर इन्वर्टर तो आगे लगा, इन्वर्टर का काम है उसको इन्वर्ट कर देना, यहाँ पे इसको ओपन रखते हैं और फिर इन्वर्टर उसको क्लोज करके वापस आंसर हमें बंद दे देगा, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल हमें शो करवा रहा है कि ए इज इक्वल टू, यानी ए जो है ये इनपुट है और ये एक्स जो है इसकी आउटपुट है। मैंने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए बार, इसको पढ़ते हैं ऊपर, ये जो अलामत है इसको बार कहते हैं, इस ये शो करवा रहा है इस डॉट को, ये इन्वर्टर को शो करवा रहा है। तो ये आपके पास अगर 0 है इनपुट तो ये आउटपुट हमें 1 दे देगा, और अगर ये आपके पास आउटपुट 1 है तो ये इनपुट हमें वापस करके उसको इन्वर्ट करके 0 दे देगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने 2 ऑपरेशन देखे हैं, एक आपके पास और ऑपरेशन है, दूसरा आपके पास नॉट ऑपरेशन है। इसको कीजिएगा, एज अ होमवर्क भी करेंगे आप लोग, कॉलेज में सबमिट भी करवाएंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट गेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।